नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में भड़की हिंसा में एक इमाम की भी हत्या कर दी गई है। इमाम हाफिज साद बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। हाफिज साद की हत्या गुरुग्राम सेक्टर 57 की मस्जिद में की गई है। मृतक इमाम सीतागढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के पंडौल बुजुर्ग पंचायत के मनिया डीह गाँव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने मस्जिद में घुसकर उनकी हत्या की और फरार हो गए। इमाम की मौत के बाद उनके पूरे गाँव में मातम है। हाफिज साद 1 अगस्त को अपने घर सीतामढ़ी के मनिया डीह गांव आने वाले थे। उनका टिकट बन गया था, लेकिन 31 जुलाई की रात उपद्रवियों ने चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद गुरुग्राम के स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। इधर गाँव में हाफिज साद की माँ सनोवर खातून अपने बेटे के गम में बदहवास है। हाफिज अभी अविवाहित थे। वह दिसंबर 2022 से गुरुग्राम मस्जिद में इमाम थे। मंगलवार की रात उनका शव उनके गांव पहुंचा।